हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इंगेजमेंट एनिवर्सरी का एल्बम, क्योंकि आज है हमारी सिक्स एक इंगेजमेंट एनिवर्सरी। तो कैमरामैन चंदन के साथ मैं रश्मि आप लोगों को आज एल्बम दिखाती हूँ, तो यहाँ फोकस किया जाए और थोड़ा बहुत मैं रोस्ट भी करती हुई चलूँगी। तो ये है 2017 में हमारा इंगेजमेंट हुआ था 23 जनवरी को, तो ये उसी साल का कैलेंडर है, क्योंकि जनवरी में हुआ था तो न्यू ईयर ही था, तो उस साल का पूरा ये कैलेंडर उन्होंने बना के लिया था जो भी फोटोग्राफर थे। और ये रहा हमारा एल्बम। तो ये है उसका कवर, पूरा बहुत अच्छे से उन्होंने डिजाइन करके बनाया था। और चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ पे फोटो आई है। तो ये है माई लाइफ टुगेदर स्पार्कल फॉर एवर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। और ये पेपर वर्क बहुत अच्छा है, यहाँ से आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट भी है, इधर से भी दिख रहा है और इधर से भी दिख रहा है, बस लेटर उल्टा है और कुछ नहीं। तो पहले फोटो पे यही है जो रिंग सेरेमनी हुआ था उसका फोटो। अब आगे चलते हैं पहले पिक पे, लवली मेमोरीज। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ मेरी पिक्चर है काफी हंसते हुए, पता नहीं किस कारण से हंस रही हूँ, मालूम नहीं, दोनों हंस रहे हैं, मालूम नहीं वजह कि किस लिए हंस रहे हैं। और ये रहा जूम फोटो, एक बहुत प्यारा आया है ये वाला फोटो, पूरा कोलगेट का प्रचार करते हुए एडवर्टाइजमेंट करते हुए आया है यहाँ पे। अब चलते हैं सेकंड पेज पे, जहाँ पे हमारा एंगेजमेंट हुआ था वो रांची में ही हुआ था, हम लोग पटना से रांची आए थे। कभी कभी मुझे भी दिखाते रहिएगा। तो हम लोग पटना से रांची आए थे, और रांची के काटा टोली में ही एक है होटल, जिसका इसका नाम है, क्या नाम है इस होटल का, जिनिस्टा जेनिस्टा इन है, जहाँ पे मेहंदी बैंकवेट था और वहीं पे हुई थी। अच्छा, होटल का नाम तो यहाँ लिखा हुआ है, होटल जेनिस्टा इन, ठीक है। और इसका जो मेहंदी बैंक्वेट था वहाँ हमारी इंगेजमेंट हुई थी। और ये सारा डेकोरेशन और अरेंजमेंट का पिक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से हुई थी डेकोरेशन, मुझे याद है बहुत अच्छे से। और हम लोग सुबह सुबह 23 तारीख के सुबह सुबह यहाँ रांची पहुँचे थे, और दोपहर में ये सारा कार्यक्रम हुआ था। और ये मेरे भाई हैं, सबसे बड़ा वाला, फिर बीच वाला, छोटा वाला इसमें से मिसिंग है आई थिंक सो। और ये मेरे चाचू हैं, ये दोनों सिस्टर है मेरी, जिससे आप लोग मिल चुके हैं, कितनी बार मिला हूँ। और ये इनके दोनों दोस्त, रवि से भी आप मिल चुके हैं और बिट्टू से भी आप मिल चुके हैं। और ये फैमिली है पूरी, मतलब इन रांची के साइड की, तब मेरी होने वाली फैमिली थी, अभी मेरी फैमिली है पूरी, ये भाभी लोग हैं। और ये सब जो जो शगुन में लगा था वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि सारे लोग बैठे हुए हैं, जीवंत टाइप का उस तरह से। और इधर रवि इनके दोस्त, यहाँ पे विनीत जी हैं, ये भी इनके दोस्त हैं। और देखिए आपके भैया कितने सूखे साखे लग रहे हैं, कुछ कमेंट करेंगे आप इस बात पे चंदन जी? भैया तो स्मार्ट लग रहे हैं एज यूजुअल। ऐसा कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे बहुत सूखे साखे लग रहे हैं। और पता नहीं किस बात पे इतना हंस रहे थे, किस बात की? अच्छा, मेरे से इंगेजमेंट करने की खुशी थी। पापा हैं यहाँ, जीजा जी हैं, बड़े जीजा जी, ये छोटे जीजा जी, ये दोनों बच्चे, माँ और इनके दोस्त, और इनकी वाइफ है ये, उनकी फैमिली है ये, माँ और इनकी सिस्टर है विनीत जी की। तो ये फोटो, ये पंडित जी हैं जो हमारा कल्याण करने में लगे हुए हैं, इनका नाम किशोरी है। किशोरी जी पंडित जी हैं। देखिए पूरा मग्न हो के पूजा कर रहे हैं। यहाँ भाई मेरा, वो इसको हम लोग जैसे कि बिहारी में बोलते हैं ना, छेका चढ़ाना, छेका चढ़ता है, तो मेरा भाई इस साइड से चढ़ा रहा था। उस साइड से कौन था वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आप पहचान नहीं पाइएगा कि उस साइड से कौन सा संस्कृत जो था, कौन सा ऐसा इंसान था जिसने मेरा छेका चढ़ाया था, जिसने मुझे सामान चढ़ाया था, वो आप पहचान नहीं पाओगे। मुझसे जरूर कमेंट करके पूछोगे कौन है ये आदमी। इतना स्मार्ट बंदा होगा ही आई थिंक। तो यहाँ देखते हैं पापा का आगे। बहुत अच्छा फोटो आया, पापा का, विनीत जी की फैमिली का और माँ का। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, फिर यहाँ पे भाभी लोग हैं,
बड़ी फुआ हैं ये इनकी, और ये इनकी सिस्टर हैं। ये मेरी तीनों फुआ है, नहीं दो फुआ है, एक बड़ी माँ है, और ये छोटी दीदी, ये छोटी फुआ, ये बड़ी माँ। और यहाँ है छोटू जो कि छेका दे रहा है, मतलब जीजा जी को अपने, ये सब जो जो चढ़ा था वो सामान है। ये मेरे पापा और मेरे बाद वाली सिस्टर जिसको अभी आप पीयू के बर्थडे में देखे होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे चढ़ रही हैं। फल वगैरह सब, माला तो ऐसे पहनाया गया जो सरस्वती माता को पहनाया जाता है ना। सरस्वती माता को जो माला पहनाया जाता है वही माला पहनाया गया इनको, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ना मार्केटिंग करके पटना से नहीं आए थे, जो कुछ भी खरीदा था वो रांची आके ही खरीदा था, तो जो जैसा मिला, जो जैसा नहीं अच्छा ही मिला, पर ये वाला माला जो है वो अक्सर सरस्वती माता को पहनाया जाता है। तो यहाँ फिर हंस रहे, मेरा गम देखिए। यहाँ पे हो चुका है इनका, इनके साइड का जो रस्म था वो हो चुका है, और ये पापा के बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बहुत स्टार्टिंग से दोनों साथ में थे। ये पापा के ऑफिस के सारे लोग हैं जो सब लोग इनको बहुत ये के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वो सब ये सब मेरे भाई बहन एक साथ इनके साथ। और अब होती है हीरोइन की एंट्री, यहाँ हुई मेरी एंट्री, और आप देखिए मेरे चेहरे पे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं है क्योंकि मैं खुश नहीं थी। नहीं, पार्ट ऑफ द जोक, बहुत खुश थी। और यहाँ हाँ, तो ये शख्स जो है, ये इंसान जो है मेरा छेका चढ़ाया था, ये कौन है आप पहचान भी नहीं सकते इस सूखे इंसान को जिसके शरीर में ओनली बोन्स थे, मांस तो मेरे आने के बाद हुआ है। तो ये इंसान जो है चंदन कुमार कुकरेजा। काफी स्मार्ट लग रहा है बंदा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा है बंदा। तो यहाँ अब हमारा जो है वो कार्यक्रम खत्म हुआ था, क्योंकि मेरा जो छेका चढ़ा था वो मैं साड़ी में पहन के बैठी थी, और जो रिंग सेरेमनी हुई थी वो मैं लहंगे में आई थी। तो ये रिंग सेरेमनी का पिक्चर है, इधर मैं क्लोजअप का प्रचार कर रही थी, इधर आपके भैया क्लोजअप का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे आप किसको मुस्कुरा के देख रहे हैं? ये तो हम देख रहे थे कि कहाँ हम मतलब जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, वो सोच रहे थे, थोड़ा मनन चिंतन चल रहा था। मुस्कान देखकर तो लग रहा है जगह पसंद आई आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी दीदी हैं, अगेन सूखा हुआ इंसान, छोटे जीजा जी और हम, क्या ब्यूटीफुल लग रहे थे हम। यहाँ पे माँ का भी स्माइल बहुत अच्छा है, और ये पापा का भी फोटो। और यहाँ अब मेरा तिलक कह रही हूँ मैं, छेका चढ़ रहा है, मतलब जीजा जी और ये फूफा जी हैं चढ़ा रहे हैं, और ये सारे लोग जो आशीर्वाद देने के लिए खड़े होते हैं ना तब का है, और ये जब पापा मुझे ले जा रहे थे जब मेरा वो चढ़ रख गया था छेका तब का है, और जब ये इंट्री हो रही थी इंगेजमेंट रिंग सेरेमनी के लिए तब की है। और यहाँ अगेन मैं ही मैं दिखूंगी आपको पूरे एल्बम में, और ये सारे चंदन के दोस्त हैं आई थिंक, है ना, हम्म, और ये मेरे भाई। यहाँ मेरी सबसे छोटी सिस्टर और बीच वाली सिस्टर, और मैं आ गई अब इनके हाथों में। ये वाला टाइमिंग मुझे नोट करना चाहिए था किस टाइम पे मैं इनके हाथों में आई थी। आई थिंक शाम के 3-4 बज रहे होंगे जब ये घटना हुई थी। इसलिए इस रंगीन फोटो को यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है ताकि ये घटना रंगीन से ब्लैक एंड व्हाइट में हमेशा याद रहे। और यहाँ पे मैं, मुझे बस हम यहाँ पे क्या लग रहा था पता है, सब लोग घेर के जो खड़ा हो गया था ना, हाँ बड़ा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा था कि क्यों देख, ये सब एक ही जगह फोकस मतलब होता नहीं है लड़का लड़की के ऊपर, वो बड़ा ऑकवर्ड सीन हो जाता है फिर। यहाँ मेरी माँ, मेरी मासी, यहाँ है छोटा वाला भाई, पीछे नहीं मिल रहा था, ये सब मेरे साइड की फैमिली है, ये इधर सब रांची के साइड की फैमिली है, बड़ी माँ फुआ, और इधर भी ये मेरे फूफा जी हैं दोनों, इसमें से एक फूफा जी नहीं रहे, और ये पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। और ये पता नहीं किस टाइप का उन्होंने फोटो निकाला है, पूरा चेहरा ब्लैक और ज्वेलरी और ये सब कलरफुल है, पर अच्छा लग रहा है, नया स्टाइल में है। और ये दोनों फोटो यहाँ पे अगेन, अब रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, रिंग सेरेमनी, और
यहाँ पे एक छोटा सा घटना हुआ था कि मैंने तो इनको अच्छे सही हाथ में रिंग पहनाया था, पर ये जब रिंग पहना रहे थे तो गड़बड़ हो गए थे कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तो उसमें बहुत जोर की हंसी आई थी। वो वीडियो भी है मेरे पास, होगा तो जरूर मैं लगा दूंगी यहाँ पे। और ये है पूरा। फोटो है, और यहाँ पे ये जूम वाला फोटो भी मेरा बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा, यहाँ पे ये मम्मी पापा, और यहाँ पे फैमिली, मतलब दोनों फैमिली, दोनों साइड के मम्मी पापा, और यहाँ जीजा जी और दीदी, दोनों दीदी, और यहाँ पे मेरी बड़ी माँ, फूआ, ये सब लोग, दीदी अगेन, मेरी दोनों सिस्टर अगेन, और यहाँ पे दीदी जीजा जी हैं। ठीक है, मूव करो। हाँ और ये पूरा कंप्लीट एक जो फोटो आया है ये बहुत अच्छा आया है, मतलब इधर से दोनों पापा, इधर से दोनों माँ, और हम दोनों बीच में। यहाँ भी सबसे मजेदार बात यह था कि पार्टी में जो खाने का सब सब कोई खा के चले गए थे, और जब हम लोग का खाने का बारी आया था तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे भी माँ पापा और हम दोनों, और इधर से माँ पापा और हम दोनों, यहाँ तो फिर सिंगल सिंगल सेपरेट आया है फोटो। यहाँ दोनों बच्चे, यहाँ मेरा दोनों भाई और दोनों सिस्टर, और यहाँ पे इनके भाई हैं ये, और ये मेरे जीजा जी हैं, ये दीदी और जीजा जी मेरे। यहाँ सबका पैर वैर छूते, एक चीज बहुत हो जाता है क्या ना, ये इन सब चीजों में पैर छूते छूते हालत खराब, लेकिन चलो सबका ब्लेसिंग मिलना चाहिए। ये सारे लोग हैं जो लोग आए थे पार्टी वगैरह में, मतलब अब मैं फिर से अगेन अगेन कितना बार बोलूँ कि मेरे दोनों भाई हैं ये सब, पापा के साथ मेरी ये फोटो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, पूरे एंगेजमेंट में सब लोग रेडी हो गया था, लेकिन इंतजाम करते करते, व्यवस्था देखते देखते मेरे पापा ही रेडी नहीं हुए थे। मतलब जो कपड़ा वो सुबह से पहने थे वो पूरा एंगेजमेंट में पहने रह गए, मतलब ध्यान ही नहीं गया कि वो कपड़ा नहीं चेंज किए हैं, और ना हम लोग कोई उनको बता पाए कि आप चेंज कर लीजिए, इतने बिजी रह गए थे वो। ये मासी है मेरी, और ये इनके मामा जी हैं, मामी हैं, और उनकी फैमिली, और ये इनके बड़े भैया, उनकी फैमिली है सारे लोग, और माँ है उनके साथ। अगेन हमारा, यहाँ थोड़ा कम हंस रहे हैं हम दोनों, बस मुस्कुरा रहे हैं लिटिल बिट, भैया दुख में नजर आ रहे, आप ज्यादा हंस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा है, देखिए ऐसा नहीं है। लोग देख सकते हैं। अगेन ये पिक्चर, और ये दोनों इनके दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, हर्षेश जी और दादा। और यहाँ अगेन हीरोइन की एंट्री होती है जूम और पोज में, और हीरोइन को साइड कर दिया गया है, और हीरो आ गए हैं पूरे कवर पे, और बाहर पीहू रो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करते हैं। यहाँ भी मैं क्लोजअप का ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे हम लोगों को ऊपर ले गया गया था कि ये कुछ कपल्स पिक वगैरह आए, तो उसके लिए ये है, कपल्स पिक के लिए आया है, क्योंकि माँ बाप के सामने ये नहीं हो सकता था, माँ पिताजी के सामने, इसलिए ऊपर ले जाया गया था, और ये मेरा सिंगल फोटो लिया गया था। उसके बाद ये विनीत जी की वाइफ हैं, विनीत जी हैं, और यहाँ मेरा सिंगल फोटो, और पीहू यहाँ चढ़ चुकी है, आ चुकी है, सबका इंट्रोडक्शन अब पीहू ही देगी। तो बेटा इधर आके, पीहू इधर आके दे दो इंट्रोडक्शन। फिर से चढ़ जाएगी पीहू, इसी के ऊपर बैठेगी पीहू आज, यहीं पे बैठोगी, सूसू मत कर देना, बाबा रे बाबा। यहाँ बैठो बेटा, इधर को, तो ये क्या है, ये क्या ना। फिर देखो ना मम्मी को, देखो ना मम्मी को, देखो ना बेटा, मम्मी 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 मम्मी। यहाँ अगेन ऊपर जो हम बोल रहे थे कि कपल पिक के लिए ले गया गया था, तो ये सब वही फोटो है जो ऊपर ले जाया गया था। तो अभी पीहू आ गई है, तो हम जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करते हैं, यहाँ देखते हैं। और मैं पहली बार ऐसे किसी के साथ पिक्चर खिंचवा रही थी, तो मुझे बहुत अजीब सा फील लग रहा था देख के ही, करके भी, और फोटोग्राफर बार बार, आप थोड़ा इजी रहिए इजी रहिए, अरे क्या इजी रहे यार, पहली बार फोटो खिंचा रहे हैं, इजी होना ही नहीं हो सकता है। और ये सब फैमिली फोटोज ही है सारे लोग।
ये मेरे भैया भाभी हैं। हाँ पीहू अगेन चढ़ चुकी है। ठीक है ठीक है, सबको वो भी पहचानना चाहती है। और यहाँ भी वही कपल फोटो देखो ना बेटा, पापा मम्मी कहाँ थी पीहू तुम? और ये फोटो बहुत परफेक्ट आया, यही फोटो वहां लगा है, दिखाइएगा चंद, यही फोटो वहां पे लगा हुआ है फ्रेम करके। चलिए बैक टू एल्बम। और यहाँ ये सब सेरेमनी खत्म हो चुका था तब का पिक है। पीहू 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 ऐसे आ जाओ बेटा। और यहाँ ये बहुत अच्छा पिक है। फोन लीजिए, तो फोन लीजिए फोन लीजिए। पीहू और फोटो देखने नहीं देगी अब। चलो पीहू, नहीं तो फट जाएगा बेटा, फट जाएगा, इधर आ जाओ। ये फोटो भी बहुत अच्छा है, कुछ कुछ मजाक चल रहा था तब का है ये फोटो। और ये ब्लैक एंड व्हाइट पीछे करके ये सब। लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लाइफ पार्टनर के रूप में ये मिले और एक बहुत ही अच्छी फैमिली मिली मुझे। आज हमारे एंगेजमेंट की 6 एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने ये एल्बम आप लोगों के साथ शेयर किया कि देखिए कैसा है। और आज अनलकली हम दोनों अलग अलग हैं क्योंकि उनको कुछ काम था, इसलिए वो कोलकाता में है और मैं यहाँ रांची में रुकी हूँ। तो इसलिए ये शेयर करके भी मैं एक वीडियो उनके साथ, उनके पास भी भेज दूंगी, इसके पापा के पास भी, ताकि वो भी देखे। और ये आज ही पोस्ट हो जाएगा और आज ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।